अभी अभी पिछले एक घंटे से बिल्कुल फोकस में है। सीमेंट का सेक्टर आप देखिए, जितने फ्रंटलाइन सीमेंट काउंटर्स है, हालांकि बाजार में गिरावट हुई है बट उन सब में एक अच्छी तेजी बनी है, चाहे वो अल्ट्राटेक है, ACC है, अंबुजा है। और मैंने यहाँ पे एक मिड कैप सीमेंट स्टॉक को पिक किया है। मिड कैप सीमेंट स्टॉक में, ये स्टॉक को मैंने पहले भी नीचे लेवल्स पे रिकमेंड करा हुआ, टारगेट सब अचीव हो गए। स्टॉक का नाम है MCL इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 204 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी है। इसकी सीमेंट कैपेसिटी है करीबन 27 लाख टन की, और नागार्जुना सीमेंट के नाम से इनका एक पॉपुलर सीमेंट का ब्रांड है। फिर इनका एक जर्मनी की कंपनी के साथ टाई अप है फॉर मेकिंग सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस में काम आते हैं। UPVC विंडोज भी ये कंपनी बनाती है, और दो हाइड्रोपावर प्लांट भी है जिसके लिए इन्होंने स्टेट डिस्कॉम्स के साथ टाई अप भी किया हुआ है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, और आप अगर इसके दिसंबर तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बेहद दमदार थे। 41 करोड़ का पैट आया वर्सेस 5 करोड़ इन द दिसंबर क्वार्टर ऑफ FY19, और उस दिसंबर क्वार्टर में OPM थे इसके 18%। तो मैं ये मान रहा हूँ, जिस तरह से आपने भी चैनल पे 2-3 स्टॉक्स जो नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे सेगमेंट में आइडेंटिफाई करे थे, जैसे सागर सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सबके बहुत ही दमदार नतीजे आए। इस स्टॉक, इस कंपनी के भी नतीजे इस क्वार्टर के अच्छे आने चाहिए। एक तो सीमेंट का कारोबार और दूसरा रूफिंग का कारोबार, और जो रूफिंग की भी कंपनियों के नतीजे आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। बाकी 8 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है, 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया तो डिविडेंड भी अच्छा खासा है। फिर HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड भी इसमें स्टेक ऑन करता है, और एक अच्छी बात यह भी है कि प्रोमोटर्स ने पिछले 4 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में बढ़ाई है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। तो इस स्टॉक को करंट लेवल जो 203-204 के लेवल है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 220 का टारगेट है शॉर्ट टर्म का, 198 का स्टॉप लॉस।